ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। যানবাহন চালকদের অনুরোধ করা হচ্ছে ছয়টার পর কোন ধরনের কার্পথে চলাচল করবেন না। একমাত্র
Sir, condiço. Sir, acho que tu cal se lockdown shuru hua hai, aap logo ka kaisa prastuti hai? हां, जैसे आपको पता है कि कोरोना के चलते हुए पहले रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगाया गया। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी त्रिपुरा में भी ये मतलब हर दिन आप देख रहे हो कि कोरोना के केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए इस ट्रांसमिशन को रोकना ज़रूरी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी के टच होने से फैलता है। तो ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया शाम को 6 से सुबह 5 बजे तक, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करें और अपने घर में बने रहे, क्योंकि आप घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और हम भी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी कल भी जैसे शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुआ था, कुछ लोग हैं जो बिना काम के बाहर निकल रहे हैं और पुलिस की गाड़ी को देख के दूर भागते हैं फिर वापस निकल के आते हैं, वो इससे हमको धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो सभी से आग्रह है कि जो सरकार ने ऑर्डर निकाला है उसका अच्छे से पालन करें और घर में बने रहें। धन्यवाद सर। हाँ, शुरू हो गया तो आज भी शुरू है, तो क्या किसी को डिटेन किया है सर आप लोगों ने? जैसे आपको पता है कि कल से शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अभी पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ये टाइम बढ़ाया गया था। कल हमने लगभग 51 लोगों को डिटेन किया था हमारे सदर सब डिवीज़न में, आज अभी तक 15 लोगों को और 5 व्हीकल को डिटेन कर चुके हैं। मैक्सिमम लोग 98% के आसपास लोग इस गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। कुछ बदमाश लोग हैं जिसके बावजूद पुलिस की गाड़ी को देख के छुप जाते हैं, बाद में निकलते हैं, जो पुलिस को धोखा नहीं दे रहे जबकि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी किसी एक चीज़ से नहीं होती है, लोगों को साथ में छूने से होती है। तो उसको लेके मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घर में रहोगे आप तो आप इस संक्रमण से बच पाओगे, लोगों के कॉन्टैक्ट में कम आ पाओगे। और जितना आप और अपने परिवार वालों को रिलेटिव को ये सलाह दोगे कि कम से कम बाहर निकले, इवन दिन के टाइम में भी, जो सुबह का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, उसमें कम से कम बाहर निकले, ज़रूरी चीज़ों में भी बाहर निकले और ज़्यादातर समय घर के अंदर गुजारें और अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से फॉलो करें। आज दूसरा दिन है इस कर्फ्यू का, पहले दिन से आज के दिन में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ लोग, कल पहला दिन था तो लोगों को, कुछ लोग अननेसेसरली घूम रहे थे, हमने उनको समझाया, कुछ को डिटेन भी किया। आज जो संख्या कम है कल के कंपैरिजन में, लोगों को आज मालूम पड़ा है। कल भी हमने अनाउंस वगैरह करवाया था लेकिन आज न्यूज़पेपर में और कल आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि पुलिस कितनी सख्ताई से काम कर रही है, तो आज बहुत कम लोग बाहर निकले। कल हमने 51 लोगों को डिटेन किया था, आज वो संख्या मात्र 15 है।